सो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं बिलोमा क्रीम। बिलोमा क्रीम काफी ज्यादा फेमस है और काफी ज्यादा इसके बारे में आपने सुना होगा। सो आज देखते हैं कि क्या ये इतनी इफेक्टिव है। आज की वीडियो में हम एक बार एक देखेंगे कि किस तरीके के इंग्रेडिएंट है, क्या प्राइसिंग है, ओवरऑल इसका क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। नए हैं इस चैनल पे तो मैं बता देती हूँ, मेरा नाम हिना है और ये जो चैनल का नाम है ये है शॉपाहोलिक। इस चैनल पे आपको स्किन केयर, हेयर केयर, एक्ने रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना पसंद करते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच। तो देखिए, जैसे कि आपको ऊपर ही दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे लगाया है बिलोमा क्रीम, कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आती है। अगर हम ऊपर ही देख लेंगे तो बिलोमा की नेट क्वांटिटी इतनी आती है वो मेंशन है, जो की है 15 ग्राम। ज्यादातर डीप पिगमेंट क्रीम आपको 15 to 20 ग्राम के बीच में ही मिलती है, इससे ज्यादा क्वांटिटी कभी भी नहीं मिलती है। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, जो की है 400+ यानी 430-440 रुपीज में आपको मिलती है, जो की अगर मैं बाकी अपने अभी तक के यूसेज में बताऊं तो सबसे महंगी एक्सपेंसिव मुझे यही लगी है 15 ग्राम्स की क्वांटिटी में। बात कर लेते हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा मेंशन किया हुआ है कि आपकी जो भी स्किन टोन है काफी अच्छी है, लेकिन अनइवन नहीं हो, उसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती, तो कोई भी कलर जो है वो बुरा नहीं होता, चाहे वो हल्के में हो चाहे वो काफी डल हो, वो स्किन काफी ज्यादा नरिश, यंग, हेल्दी लगनी चाहिए। तो इस तरीके के कोड जो है इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ये एक डीप पिगमेंटेशन क्रीम है जो कि स्किन लाइटनिंग क्रीम भी है, आपकी स्किन को अनइवन जो होती है स्किन उसको इवन करता है और आपकी लाइट भी करता है स्किन। अगर बिलोमा के इंग्रेडिएंट को देखा जाए तो यहाँ पे मेंशन है कि इसके अंदर 6 पोटेंट का ब्लेंड है इसके अंदर, जो कि स्किन वाइटिंग इंग्रेडिएंट है, जो कि काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसलिए काफी ज्यादा इफेक्टिव माने गए हैं आपकी स्किन पर। कोजिक एसिड है जो कि ज़्यादातर डीप पिगमेंट क्रीम में होता है और बिलोमा क्रीम में कोजिक एसिड है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा फास्ट और इफेक्टिव रिजल्ट आपके स्किन को प्रोवाइड करता है। और ऐसा इनका दावा है कि इसका जो रिजल्ट है आपको फर्स्ट यूज से ही देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर ये आपको ऊपर बॉक्स पे ही दिख जाएगा, ये एक स्टीरॉइड फ्री है, लेस केमिकल के साथ ही आपको एक अच्छा डिसेंट रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। अबुटेंस जो है वो एक बेरी से डिराइव्ड होता है, जो कि आपके स्किन व्हाइटनिंग के लिए काफी अच्छा माना जाता है। और मलबेरी एक्सट्रैक्ट है जो कि डिराइव है प्लांट मोरस एल्बा से, जो कि आपके स्किन लाइटनिंग इफेक्ट काफी ज्यादा स्किन पे प्रोवाइड करता है। जो आपका फॉर्मूला है ये सारा डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, क्लिनिकली प्रूवन है, तब जाके ये बिलोमा आपको प्रोवाइड करी गई है। और जैसे मैंने बताया स्टीरॉइड फ्री तो है ही। इंग्रेडिएंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे मेंशन है कोजिक एसिड, आर्बुटिन, लिकोरिस, मलबेरी एक्सट्रैक्ट, इस तरीके के मेन इंग्रेडिएंट यहाँ पे मेंशन है। की बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे मेंशन है कि ये विजिबली लाइटन करता है स्किन टोन को और डार्क स्पॉट्स को जो है फेयरर लुकिंग स्किन आपको प्रोवाइड करता है। इसमें मेंशन है कि ब्लेंडेड विद अ नेचुरल इंग्रेडिएंट फॉर अ ग्लोइंग फेस, यानी कि इसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज करें हैं, जो कि आपको एक नेचुरल ग्लोइंग फेस जो है वो प्रोवाइड करता है एज अ बेनिफिट। और इसमें मेंशन है कि लिकोरिस जो है वो है पिगमेंटेशन, जो कि यूवीबी रेस से होती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए है, और साथ ही साथ ये एक एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट भी आपको प्रोवाइड करता है। बिलोमा क्रीम जो है आपके डार्क स्पॉट को लाइटन करने में काफी ज्यादा इफेक्टिव इसमें बताया गया है। ये एक एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, तो यस ये आपके स्किन लाइटनिंग एज के अंदर पाया जाता है। डायरेक्शन ऑफ यूज की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल है, आपको इसे नाइट में ही अप्लाई करना होता है, जैसे कि अदर डीप पिगमेंट क्रीम अप्लाई करनी होती है। फेस को वॉश करने के बाद आपको पी साइज लेना है, अपने फेस पे अप्लाई करना है, अच्छे से मसाज करने के बाद ये आपके स्किन में पेनिट्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट डे आपको अपना जो है सन प्रोटेक्शन प्रॉपर तरीके से लेनी है, वेदर कोई भी हो सन प्रोटेक्शन मैंडेटरी है, उसका ज्यादा लंबा टाइम तक जो है आप यूज नहीं कर सकते हैं जब आपकी प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाए। पिगमेंटेशन का इशू हो, हाइपर पिगमेंटेशन हो, अनइवन स्किन टोन हो, आपका डार्क स्पॉट हो, एक्ने स्कार्स हो, इस तरीके का इशू है तभी डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं। तो आपका जब भी इशू रिजोल्व हो जाए प्लीज इसे स्टॉप कर दे, मैं यही बोलूंगी 3 से 4 महीने से ज्यादा आप यूज मत करें। कोई भी मेडिकेटेड प्रोडक्ट होता है 3 से 4 महीने यूज करें, 1 से 2-3 महीने का गैप दें, देन आप चाहे अगर अच्छा हो तो डॉक्टर से रिकन्फर्म करके आप इस तरीके की ऑइंटमेंट है इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको इशू है तो ही इसे बाय करें, अननेसेसरी सिर्फ लाइटनिंग और व्हाइटनिंग के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगी आपको कि इस तरीके की ऑइंटमेंट आप यूज करें। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैं डर्मेट नहीं हूँ, किसी तरीके का मेरे पास कोई भी प्रूवन डिग्री नहीं है, तो इसको एक इन्फॉर्मेशन मांगने और बिना कंसल्टेशन के कोई भी ऑइंटमेंट या मेडिकेटेड प्रोडक्ट को अप्लाई ना करें अपने। बात करूँ इसके एक्सपीरियंस की तो मैंने इसको यूज किया था एक्ने स्कार्स के लिए, तो एक्ने स्कार्स में ये थोड़ा लंबे टाइम लेता है, जैसे कि हाइपर पिगमेंटेशन में लेता है,
स्कार मिलेगा, लेकिन जो एक्ने मार्क्स होते हैं जो काफी लाइट होते हैं वो काफी कंपैरेटिवली काफी लेस टाइम में रिमूव हो जाते हैं, लेकिन जो स्कार्स होते हैं, जो हाइपर पिगमेंटेशन होती है, इसको अगर आपका इस तरीके का इशू है तो ये थोड़ा लंबा टाइम लेगा, 3 से 4 महीने लेगा। और मैं ये सजेस्ट करूंगी अगर इस तरीके का विंटर टाइम आने वाला है तो अब आप स्टार्ट करें तो आपको इसका रिजल्ट काफी अच्छा और इफेक्टिवली आपके स्किन पर आपको विजिबली देखने को मिलेगा आपकी स्किन। मेरे लिए तो इसका रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। इंग्रेडिएंट की भी बात करें तो काफी अच्छा रिजल्ट है, लेकिन प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बोलूंगी कि बेटर है कि आप कोई और क्रीम भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप बिलुमा लेना चाहते हैं तो बिलुमा बिल्कुल आप ले सकते हैं। अगर आप क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी भी अच्छी है, रिजल्ट भी आपको डिसेंट प्रोवाइड करती है। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आप लाइक करके जाइएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।